नई साइट कुछ देखी चलो छोटा सा काम था जैसा भी पच्चीस हजार थी पचास हजार मैकेनिकल आपको पता है फैन की कहानी फैन के आप वो बिल्डिंग क्या है आप ये अच्छा डैन का वर्किंग इसमें आ जाएगा ड्राइंग में रोड रहना चाहिए इतना कि कम से कम बड़े वाला हम बड़ी एम्बुलेंस और बड़ा फायर ब्रिगेड अंदर से घूम जाएगा पूरा रोड बड़ी चौड़े चाहिए तब मैं बोल रहा हूँ ये कहीं आड़े तो नहीं आएगा ये बिल्डिंग आपकी थोड़ा सा टिल्ट करोगे इधर से मतलब ये बीच में नहीं आना चाहिए अड़चन नहीं बनना चाहिए मेरा कहने का मतलब ये सर ये रिमूव करेंगे रोड इंटैक्ट रहेगी पूरी बस से हाँ ये रिमूव करेंगे इसको डेढ़ मीटर हाइट करना है फिर उसके ऊपर इसकी सारा फुट हाइट पिलर से बनेगा आप और क्या जगह है अस्पताल के अंदर जो पास में हो इसके साथ इंटीग्रेट करना है इसको क्या ये कंपोनेंट इसके साथ इंटीग्रेट करना है या सपरेट हो सकता है इसके प्रॉक्सिमिटी में ही उसके साथ तालमेल होता है ना बाकी जो पाइपलाइन अंदर लगी हुई है सर मैनिफोल्ड नहीं है स्कोप में मैनिफोल्ड के साथ टैग हो जाएगा जहाँ तीन प्लांट लगेंगे 750 रुपये थे तब तक आप एक काम कर सकते हो टाइम बचाने के लिए ये नहीं एक काम करो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से होती हैं टेंडर आपने कर दिया लोगों को बोलो कि यार थोड़ा सफर आती होगी आज आप कोशिश करो डेढ़ या दो बजे काम शुरू हो जाएगा हमारे वीडियो बनाओ फोटोग्राफ खींचो और जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी आएगा उसको बोलना इतना वाला कंपोनेंट हमने यार कर दिया इमरजेंसी में ताकि 5 दिन पहले बचाने के लिए तेरा टाइम बचा जो आपको दिक्कत आए मशीन उसके लिए हमने रिक्वायरमेंट दी हमारे लिए चाहिए
एक छत से होता है वो मेडिकल आईसीयू में लगा हुआ है, आज ही जो भी मटेरियल रिजल्ट का मिलता है सुन होता है, पहले आप मेरी विजिट के बाद जाएंगे, इनको साथ लेके जे साथ जाएगा, वो चेक करेगा ये क्या मांगते हैं, और वो जो इनकी बात जो मैंने सुनी है जब से मुझे अंदाजा है ये हैंगिंग को पर्दे होते हैं ऊपर से चलते हैं वो ताकि ऐसे करके पर्दे को भी पर्दे करेंगे उसको कपड़े खोलते हैं कुछ ट्रीटमेंट देना है वो होता है हॉस्पिटल में। इसके अंदर जैसे पांच बेड हैं, पांच का अलग पार्टीशन होता है। आप ये बोल रहे हो कि बेड लगे हैं हर पार्टीशन जो पावर कंट्रोल के मेजर्स हैं उसको रिव्यू करने के लिए था। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और स्टूडेंट हॉस्टल भी मेरे साथ हैं और बाकी एक्सचेंज साहिबान एनेस्थीसिया से एचओडी साहब और बाकी जो स्टाफ है यहाँ का। इसके ब्रॉडली दो तीन पर्पज़ थे, एक तो कुछ इंस्ट्रक्शन एक हफ्ते पहले ही हॉस्टल में दी गई थी उसको रिव्यू करने के लिए था। दूसरा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ 20 बेड्स आईसीयू के द्वारा से एडिशनल क्रिएट किए जा रहे हैं उसको लेके ये मीटिंग करनी है कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए और 20 बेड्स यहाँ आईसीयू में क्रिएट किए जाए एडिशनल। आपका ऑक्सीजन प्लांट एक बार फिर एमरजेंसी में गवर्नमेंट की कोशिश से कम्प्लीट हुआ है, कमीशन हुआ है। 2250 RPM का जो एडिशनल इसका है उसका साइट देखने में आया था और आज मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आज ही इसमें काम जो है वो शुरू होगा। पहले तो उसमें आपका सिविल वर्क होगा जो टाइम लगेगा और फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो भी पोर्शन का काम होता है उसका विजर वो भी स्टार्ट होगा और फिर मीनवाइल जो कंपनी है उससे हम टेकअप करेंगे कि प्लांट भी यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो ये दूसरी कोशिश होगी कि यहाँ एडिक्वेट ऑक्सीजन प्लांट जो है बड़े कैपेसिटी का वो इंस्टॉल हो उसको लेते ये मीटिंग की और ये रिव्यू हो रहा। सर इसे हट के बात करें तो मेन जो है वेंटिलेटर क्या वो काम कर रहे हैं क्या निकाल रहे हैं? हमारे पास वेंटिलेटर हैं, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, 46 वेंटिलेटर हैं हमारे पास। लेकिन कुछ पेशेंट्स की मुझे अभी ये इनपुट मिला है कि कुछ पेशेंट खुद ही वेंटिलेटर पर चढ़ने के लिए जो होता ना जिसको बोलते हैं रिफ्यूज़ किया था कि हमें वेंटिलेटर नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, जबकि मेरी ये अपील है लोगों से कि डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ ही चलो, जो डॉक्टर साहबान बोलते हैं वही करना है, इंसान को खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना है। इस वक्त सेल्फ मेडिकेशन कोई भी और सेल्फ सजेशन नहीं चलेगा, जो डॉक्टर साहबान बोलेंगे वैसे ही चलना है, मेरी सबसे अपील है। और जिस भी लोगों को सिम्टम्स हैं उसको फौरन ट्रायल सेंटर बनाए हैं और कोविड केयर सेंटर बनाए हैं वहाँ रिपोर्ट करना। सर देखा जाए कि यहाँ पे जो कोविड के बेड हैं वो 200 प्लस ही हैं, पूंछ में देखा जाए तो वहाँ पे 400 प्लस हैं। ये GMC है सर, वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 400 प्लस है, यहाँ पे 200 प्लस है। देखें आप ये बात तो माननी है ना कि ये आपका मेडिकल कॉलेज अभी, अब आप बताओगे कि मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है इसके ऊपर बन रही है। ये जो है एसोसिएटेड हॉस्टल है इसका, जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल था आपका, इसको भी अपग्रेड कर इसको एसोसिएटेड हॉस्टल्स की कैटेगरी में लाया जा रहा है या अभी ग्रोइंग है, अब तो टाइम लग रहा है। सर एक बात और, सर पुरानी मशीन है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी मशीन जो लेटेस्ट मशीन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होंगे वो भी अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर वर्किंग का काम हो रहा है, वो मशीन भी प्रोक्योर करने की कोशिश हो रही है। अब आप MD साहब से बात कराओगे? जी सर। हाँ कहाँ सर लिस्ट जो चाहिए आपको? मुझे बताओ ये प्राइवेट मुआवजा से मिल सकते हैं? नहीं नहीं सर, किसी राज कैप वालों के पास कहाँ किसी राज कैप
से बात करें।